learning is old. Whether at 20 or 80, anyone who keeps learning stays young. It was written by Henry Ford. Hello everyone, I am Karuna Singh. Namaste. Welcome back to our channel, Knowledge. Today on our show, we have a very special guest, the Managing Director of UK Hijama Sciences, Dr. Fassiuddin Haque. He is also the State Vice President of National Integrated Medical Association, Uttrakhand. Welcome, sir. Sir, agar main shuruaat karti hoon, to according to you, UGC se recommended jitne bhi programs hain, jaise agar main baat karu apne Jeevan Kaushal training program ki, to wo ek candidate grooming ke liye kitna important hai? Basically, UGC ne jo ye program shuru kiya hai na, ye main samajhta hoon ki ye bahut zyada important hai. किसी के लिए स्किल डेवलपमेंट के लिए स्पेशली बहुत सारे लोग जो बहुत रिमोट एरियाज से आते हैं उनके लिए तो ये बहुत बेनिफिशियल नो डाउट बहुत अच्छा प्रोग्राम है जी सर क्योंकि आप साइंटिफिक बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं तो क्या नॉन साइंटिफिक स्टूडेंट्स या जो कैंडिडेट्स हैं वो मेडिकल इंडस्ट्रीज में आना चाहते हैं तो क्या इस प्रोग्राम के थ्रू वो इस इंडस्ट्री में आ सकते हैं बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो मेडिकल बैकग्राउंड से नहीं होते हैं जी और इसके अलावा भी वो नॉन साइंटिफिक बैकग्राउंड से होते हैं क्योंकि जैसे हम अपना एक सेटअप चलाते हैं भी हमारा जो यूके हिजामा साइंसेज एक सेटअप है जी बहुत सारे लोग काम करते हैं यहाँ मैन पावर बहुत सारी होती है जो नॉन मेडिको भी होती है जिसमें हमारा एक ग्राउंड स्टाफ होता है हमारे पीआरओज होते हैं डेटा एंट्री के लिए हमारे पास स्टाफ होता इस तरह के सारे लोग जो होते हैं ये कोई नॉन साइंटिफिक बैकग्राउंड से ही होते हैं और नॉन मेडिको भी होते हैं सभी लोग इसमें वर्क करते हैं जी तो जैसा आपने बताया कि आपके लिए नॉन साइंटिफिक बैकग्राउंड के जो लोग होते हैं वो डेटा एंट्री में आ सकते हैं या फिर आपने जो जो भी चीज़ें आपने अभी हमें बताई है बिजनेस डेवलपमेंट एग्जीक्यूटिव में आ सकते हैं तो इन सब चीज़ों के लिए आप एक कैंडिडेट के अंदर क्या देखते हैं बेसिकली तो हम किसी कैंडिडेट को अपने प्रीमिसिस में रखते हैं तो सबसे पहले तो हमें देखना होता है कि उसकी स्किल क्या है जी है ना और जो उसका एक प्रेजेंटेशन है किस तरह का प्रेजेंटेशन है बहुत एक इफेक्टिव डायनेमिक पर्सनालिटी है और बहुत अच्छी स्किल के साथ वो आता है तो ऑब्वियसली हम उसको तो प्रेफरेंस देते ही हैं जी तो इन सब चीज़ों के लिए क्या एक्सपीरियंस ज़रूरी है इन जॉब्स के लिए या फिर कुछ स्किल्स जैसे कि आपने भी बताया उन स्किल्स की बात की उनके साथ ही इसमें काम हो जाएगा उनका सिलेक्शन हो जाएगा एक्सपीरियंस तो बेसिकली ये अपना अपना एक इम्पोर्टेंट चीज़ है लेकिन अगर कोई पर्सन अगर आता है बहुत अच्छी स्किल्स के साथ आता है उसका जो प्रेजेंटेशन है बहुत अच्छा है जी तो वो भी फिर बाद में एक्सपीरियंस तो ऑब्वियसली हासिल कर ही लेता है ना तो एक्सपीरियंस बिल्कुल बिल्कुल तो एक्सपीरियंस के साथ उसकी स्किल जो भी मैटर ही करती है जी सर जी आपने बहुत अच्छी बात बताई कि स्किल्स बहुत मैटर करती है क्योंकि एक्सपीरियंस तो टाइम के साथ बढ़ ही जाता है चलिए इसी पर अगर मैं बात करूं क्योंकि बिलोंगिंग टू अ सेमी अर्बन एरिया लाइक उत्तराखंड राइट तो ये जो ट्रेनिंग प्रोग्राम्स हैं ये फंक्शनल ट्रेनिंग प्रोग्राम्स हैं ये कितने बेनिफिशियल हैं कैंडिडेट्स के लिए जैसा आपने बताया ये जीवन कौशल प्रोग्राम जो यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन ने स्टार्ट किया है जी तो ये प्रोग्राम मैं समझता हूँ कि बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल है उसकी वजह से ज़्यादा ये कि हमारे जो जैसे हम बात करें उत्तराखंड की जी तो बहुत सारा हमारा रूरल एरियाज है बहुत सारा हमारा हिल एरियाज है बहुत सारे लोग ऐसे आते हैं जो एजुकेटेड होते हैं लेकिन उनकी स्किल्स और उनके अंदर जो उनकी पर्सनालिटी डेवलपमेंट है वो बहुत ज़्यादा नहीं हो पाता है ना उनका एक्सपोजर भी इतना नहीं होता है तो ये प्रोग्राम ऑब्वियसली मेरे हिसाब से तो बहुत ही अच्छे हैं और काफ़ी मदद करेंगे उन लोगों के लिए जो लोग फ्रेशर्स हैं और कुछ आगे बढ़ना चाहते हैं और सीखना चाहते हैं उनके लिए तो ये मुझे लग रहा आई थिंक बहुत अच्छा प्रोग्राम जी बिल्कुल बिल्कुल आपको क्या लगता है कि कॉलेजेस को इन ट्रेनिंग प्रोग्राम्स जैसे जीवन कौशल प्रोग्राम है तो क्या उनको अपने कॉलेजेस में इनको इम्प्लीमेंट करना चाहिए हाँ बिल्कुल ये तो एक बहुत ही अच्छा और बेहतरीन आइडिया है अगर हम कॉलेज के लेवल पे इन प्रोग्राम्स को इम्प्लीमेंट करेंगे जी तो डेफिनेटली ये तो एक बहुत बड़ा रिवोल्यूशन ही मैं समझता हूँ होगा क्योंकि इसमें जो हमारे नए फ्रेशर्स हैं जो स्टूडेंट्स हैं
तो एट द लेवल ऑफ कॉलेज एजुकेशन अगर हम इसको स्टार्ट करते थे तो उनके लिए तो बहुत ज्यादा ये एक पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए भी बहुत ज्यादा अच्छा होगा, ग्राउंड लेवल पर ही चीजें बिल्कुल बिल्कुल, और उनकी जो एक ग्रोविंग होगी वो बेसिकली वो बहुत रूट लेवल से स्टार्ट होगी। आई थिंक दिस इज वेरी फैंटेस्टिक आइडिया ऑफ यूजीसी और बहुत ही अच्छा रहेगा उनके लिए, बहुत अच्छी चीज। तो लेकिन ठीक है, यूजीसी ने ये एक प्रोग्राम शुरू करवाया और उसी के बिहाफ पर हम लोग अपने ट्रेनिंग प्रोग्राम्स चलवा रहे हैं, लेकिन फिर भी आज के टाइम में स्टूडेंट सोचते हैं कि ट्रेनिंग प्रोग्राम्स एक वेस्टेज ऑफ टाइम है, वेस्टेज ऑफ मनी है, तो इसमें आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं नहीं मैं इससे तो बिल्कुल डिसएग्री करता हूँ, वेस्ट ऑफ मनी और वेस्ट ऑफ टाइम तो ये हो ही नहीं सकता। अगर किसी को हम ऐसा कोई प्लेटफॉर्म देते हैं कि वो वहाँ से एक अच्छी बहुत अच्छी नॉलेज गेन कर सकता है, उसके अंदर एक कॉन्फिडेंस का लेवल ज़्यादा हो सकता है, और सपोज करिए कि कोई आदमी हमारे सेटअप पे आता है, यूके हिजामा साइंसेज आता है जी। और वो इतने अच्छे ट्रेनिंग प्रोग्राम के बाद आता है, उसके अंदर एक पर्सनालिटी डेवलपमेंट बहुत अच्छा होता है, स्किल्स का लेवल उसका बहुत अच्छा होता है, तो ऑब्वियसली वो तो इसके लिए बहुत ही बेनिफिशियल है। मैं तो बल्कि यूजीसी को इसके लिए बहुत धन्यवाद दूंगा कि बड़े अच्छे उन्होंने ये प्रोग्राम जो है वो शुरू किया और इसको इम्प्लीमेंट होना चाहिए। बिल्कुल सर, तो चलिए अगर आपने ये चीज़ बोल ही दी है तो मैं भी आपसे एक और प्रश्न पूछना चाहूँगी कि अगर किसी स्टूडेंट्स के पास हमारा ये ट्रेनिंग प्रोग्राम का सर्टिफिकेट होता है तो क्या आप उनको अपने यहाँ या फिर वहाँ पर अपनी इस कंपनी में जगह देंगे? हाँ ऑब्वियसली, अगर हमारे पास सपोज करिए कि दो लोग हमारे पास आए और एक आदमी एक्सपीरियंस के साथ भी आया जी, लेकिन एक आदमी ऐसा जिसका टेक्निकल स्किल्स जिसकी जो एक प्रेजेंटेशन है बहुत ज़बरदस्त है और वो यूजीसी का एक सर्टिफिकेट भी साथ लाया कि हमने जीवन कौशल से हमने ये सब प्रोग्राम किया है, तो वो उसके लिए तो ऐड हो ही जाता है और उसके एजुकेशन में भी वो एक एडिशनल एजुकेशन के ही काम करेगा। exactly, और उसको exactly. और उसको हम तो प्रिफरेंस देंगे और सभी लोग कोई भी जो बाकी अपने सेटअप चलाते हैं हॉस्पिटल चलाते हैं तो उनको तो देना ही पड़ेगा वो, क्योंकि उसके पास एक कॉम्पिटेंट सर्टिफिकेट भी है ना। जी जी जी, जैसा कि आप सब लोगों ने सुना, आप लोगों ने देखा कि जीवन कौशल ये जो प्रोग्राम है ये कितना जरूरी है, या फिर इस प्रोग्राम से स्टूडेंट्स की जो पर्सनल ग्रूमिंग है वो कितने अच्छे से निखर के आ सकती है, और हमें सर ने भी ये सारी चीज़ें बखूबी बताई हैं। सो थैंक यू सो मच सर, थैंक्स अ लॉट, आपने मुझे इतना टाइम दिया और इस विषय पर इतने अच्छे अच्छे आंसर्स दिए और सारे चीज़ों को आपने बहुत खुल के बताया और बखूबी बताया। सो थैंक यू सो मच सर, थैंक्स अ लॉट।